जैसे हमारे पाकिस्तान में चूहे नहीं, ये दुबई का चूहा है। या शेख बर्फ लगाई है। ये जो जो मेरे व्यूवर्स देख लेते ना, सब्सक्राइब नहीं करते, ये सारे उनको खाने हैं। डर लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं लाइफ विद निमरा। तो जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने आपको दुबई मॉल का टूर करवाया था, और उसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो दुबई एक्वेरियम हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था, वो वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, वो सारी वीडियो जो है वो दुबई एक्वेरियम पे होने वाली है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, तो एक्वेरियम जो है ना, वो देखने के लिए दो तीन तरीके हैं जो आप देख सकते हैं। एक तो आप इसी तरह बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट सारी जो है वो फिशेज वगैरह आपको नज़र आ जाती हैं। सेकंड जो है वो हमें टिकट परचेज करनी पड़ती है एक्वेरियम के अंदर जाने के लिए, जो अंडर वाटर टनल है वहाँ पर जाने के लिए, और जो अंडर वाटर ज़ू है वहाँ जाने के लिए। और थर्ड जो है वो आप इसमें स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं, जो के शार्क और जो फिशेस वगैरह हैं उसके अंदर जाके भी आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। उसकी जो टिकट है वो जो है वो थोड़ी स्पेशल प्राइस पे है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करने का शौक नहीं था। हमने जस्ट नॉर्मल वाली टिकट ली है, जिसमें हम लोग टनल विजिट करेंगे और अंडर वाटर जू जो है वो विजिट करेंगे। तो अच्छा, और एक ऑप्शन और भी होता है, अगर आपने अंडर वाटर डाइविंग नहीं करनी है, तो आप सिंपल जो है वो अंडर वाटर बोट भी ले सकते हैं। उसमें वो केज के थ्रू आपको अंदर, ये जो आपको टनल नजर आ रही है ना, उस टनल में उतारेंगे, तो आप जो है वो वहां से सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन वो भी जो है वो थोड़ा रिस्की होता है। तो ऐसे ना मुझे इतना शौक है, ना मेरे हस्बैंड को इन सब चीजों का, तो हमने जस्ट नॉर्मल वाली परचेज की है, ताकि हम जो है वो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। अंडर वाटर हमारा जाने का कोई भी प्लान नहीं था। तो यहाँ से बस हम लोग एंटर होंगे टनल में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ना वो पिक्चर क्लिक कर लेते हैं आपकी एंट्रेंस से पहले ही, जो कि हमारे टनल क्रॉस करने तक जब हम एंड पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो हमारी प्रिंट लेके खड़े होते हैं कि आपकी मेमोरीज के लिए। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती भी हूँ। तो यहाँ से हम लोग जो है वो टनल में एंटर हो चुके हैं, और ये देखें यहाँ पर सारे लोग पिक्चर्स बना रहे हैं। और टनल में एंटर होते ही आपको ऊपर सारी जो है वो फिशेस नज़र आएंगी, और यहाँ पर जो है वो एक इंस्ट्रक्टर भी खड़ा है, जो कि आपको गाइड करता है, आपको बताता है ये कौन सी स्पीशीज़ है, इसकी क्या हिस्ट्री है, वो सारी आपको आगे चल के मैं दिखाती हूँ। तो चलें जी, आप टनल को एंजॉय करें। वो जी हनीकॉम जो जा रही है ना, that was not the reason, just got hungry and had to bite. So you don't need for like one or two. What they give, what they give, what one by one. Yes. So even they eat, it's because of their national behavior. This is the biggest shark we have, sand tiger. Sand tiger shark. You find it in almost any aquarium. You find it in the shark. Maybe they last long in aquarium. The Tibbers can contribute to these efforts by supporting sustainable seafood choices, reducing plastic waste, and raising awareness about the importance of sharks. अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जो वाटर के अंदर आपको मतलब उतारते हैं अंडर वाटर, आप उसमें जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, शार्क के बिल्कुल करीब भी जा सकते हैं।
तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से डरते हैं कि पता नहीं शार्क, ऑब्वियसली शार्क जो है वो डेंजरस स्पीशीज है एक, लेकिन होता ये है कि अभी इंस्ट्रक्टर जो बता रहे थे कि ये जो शार्क हैं ये यहीं पर पली भड़ी होती हैं, तो इनको जो है वो टाइम टू टाइम फीड करवाया जाता है, तो इस वजह से जो है ना ये इतनी डेंजरस नहीं होती और इनको कोई वो मतलब शिकार करने का कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं होता। इनका पेट जो है वो ऑलमोस्ट भरा हुआ होता है, टाइम टू टाइम इनको खाना छाना दिया जाता है, तो इस वजह से जो है ना वो ये आपके लिए इतनी डेंजरस नहीं होती। ऑब्वियसली आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर जो है वो नीचे जाएगा अंडर वाटर, जब आप डाइविंग करते हैं आपको अकेले नहीं उतारा जाता, लेकिन अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहे तो इसको इस तरह भी कर सकता है। तो बस ये थी जी टनल, और यहाँ से हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह ली। तो अभी हम आ चुके थे सेकेंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे है वो टनल, और यहाँ से सेकेंड फ्लोर पे जाते हैं तो हमें जो है वो अंडर वाटर जो ज़ू है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग ज़ू में एंटर हो चुके हैं, तो यहाँ पर एंट्रेंस पे ना इन्होंने ये शार्क की वो लगाई हुई थी कि आप इसको फील कर सकते हैं या वाइब्रेशन से या जिस भी तरह आप सेंस करना चाहें, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं जी, यहाँ से एक और टनल है, इसमें टनल में भी काफ़ी सारी जो फिशेज हैं और स्पीशीज हैं वो रखी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अभी ये टनल क्रॉस करेंगे तो आगे जो है ना वो ज़ू स्टार्ट हो जाएगा, तो चलें जी अभी आप इसको इंजॉय करें। तो यहाँ पर हम लोग ज़ू में एंटर हो चुके थे, और एंटर होते ही यहाँ पर सारी जो है वो फ़िशेज़ वगैरह इन्होंने रखी हुई हैं इसी तरह टैंक में, और ऊपर जो है वो काफ़ी सारे प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि ये एक किस्म का जैसे नेचुरली दरख्त होता है बिल्कुल इसी तरह लगा हुआ था, लेकिन ये नेचुरली नहीं था, ये इन्होंने आर्टिफिशियल यहाँ पर बनाया हुआ था। हर चीज़ जो है वो यहाँ पड़ी हुई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्रीज हो गए या ये प्लांट्स हो गए, ये सारे आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना नीचे जो यहाँ पर आगे भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वो सारे नेचुरल हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें बनाई हुई हैं वो सारी आर्टिफिशियल हैं। तो देयर इज नो फिश, नहीं 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 कहाँ लिखा, ये ऐसे है जैसे चूहा होता है ना, हाँ, और उसको अकेले को रखा हुआ है, जैसे हमारे पाकिस्तान में चूहे नहीं, ये दुबई का चूहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, या शेख। ओह माय गॉडनेस। यहाँ पर एक चीज थी हमें समझ नहीं आ रही थी ये क्या चीज है, इनका नाम भी यहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा था, तो अभी आप लोग इसको देखें, ये ऐसे लग रहा था बिल्कुल जैसे हमारे पाकिस्तान में चूहे नहीं होते, उसी तरह का ये जो है वो अरबियों का चूहा लग रहा था, या पता नहीं क्या ये चीज़ है या क्या स्पीशीज़ है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये क्या चीज़ है, कौन सी स्पीशी है या ये एनिमल है, ये क्या चीज़ है, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक मिनट इनमें से
यहाँ पर ये देखें मनी प्लांट जो है ना वो इन्होंने बहुत ज्यादा लगाई हुई थी और एकदम फ्रेश थी, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। तो यहाँ पर ना मुझे देख के याद आ रहा था, मेरी जो मम्मा है ना उनको भी मनी प्लांट बहुत ज्यादा पसंद है और जो मेरी मदर इन लॉ है ना उनको भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो मम्मा लोगों की तरफ आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा हुआ है, वहाँ पर काफी ज्यादा और भी प्लांट्स लगे हुए हैं लेकिन मम्मा ने मनी प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा लगाई हुई है। और जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने भी मतलब हमारे घर में मेरे ससुराल में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो मुझे यहाँ पर देख के ख्याल आ रहा था, मैंने कहा देखे मम्मा होती ना यहाँ पे, उन्होंने कहना था यहाँ से मनी प्लांट जो है ना वो हम लेके जाते हैं, हम जाके अपने घर में लगा, क्योंकि पाकिस्तानी माओं को मुझे नहीं लगता कोई ऐसी माँ होगी जिसको नहीं पसंद होगी। तो यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त मनी प्लांट लगी हुई थी, तो बस ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पर जो है वो बाकी आप लोग फिशेज जो है वो देखें। ये भी कोई वही है, फिश ही है कोई, लेकिन ये टर्टल टाइप कोई फिश है। The food insect eat a while. Since we don't have insect, we put a packet together with the food at the center. So if you're hungry and the food is not disfitting. Food के लिए? हाँ, अब ये सारी तैयार हो रही है ना खाना खाने के लिए। Anyway, since morning we are feeding them. Anyway, we have a short video right here. To see how this feels. Come on. Hello. We have a short video like this. To see this one, that's how this feels. This one's a pet. It will play. Archer fish or pistol fish. They speak water. But why not this time? Which one? Why not now? Right now? Yeah. Since morning we are feeding them, so therefore ready. We don't force them to do that. तो यहाँ पर ना ये वाली जो स्पीशीज की फिश थी ना, तो वो हमें बता रहे थे कि अभी वो जैसे उन्होंने फीड पानी में डिप करके वहाँ लगाई है ना, जैसे आपने वीडियो में देखा है, इस तरह जैसे वो उसको मतलब लगाएंगे तो ये फौरन से बाहर की तरफ उछल के आती हैं और फीड लेके वापस पानी में जाती हैं, और पानी जो है ना वो आप लोगों के ऊपर भी आ सकता है। तो उन्होंने काफ़ी ट्राई की कि मैं जो है वो शूट कर सकूं, लेकिन जब मेरा कैमरा बंद था ना तब उन्होंने फीड कर लिया था, तो वो ये बता रहे थे कि आप वीडियो देख लें। अभी अभी रिसेंटली इन्होंने फीड किया है, इस वजह से दोबारा जो है ना वो नहीं ले रही हैं फूड को। और यहाँ पर जो है वो स्नाइपिंग टर्टल जो है उसकी हिस्ट्री लिखी हुई थी और उसके बारे में लिखा हुआ था। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर का टर्टल पड़ा होता है, लेकिन ये एक रियल टर्टल है। आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं, इसको स्नाइपिंग टर्टल भी कहा जाता है। और यहाँ पर अगेन वही मनी प्लांट जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही फ्रेश मनी प्लांट लगी हुई थी, लेकिन इसको हाथ लगाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा करीब से आपको नहीं दिखा पाई। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं पेंगुइन की तरफ, जहाँ पर पेंगुइन वगैरह रखे हुए हैं। जो मैंने आपको बताया था ना केज के थ्रू नीचे आपको अंडर वाटर डाइविंग करवाते हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे बोट चलती है अंडर वाटर, वो देखें वो जा रही है। तो यहाँ पर वो आपको केज भी नज़र आ रहा है, इस केज के थ्रू भी आपको नीचे उतारा जाता है। वो एक आपको बोट भी नज़र आ रही है, वो भी अंडर वाटर बोट चलती है, और इसी में ही नीचे जो है वो ड्राइविंग के लिए भी आपको यहीं पे अंडर वाटर डाइविंग करवाई जाती है। तो ये सारा तो हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं था, खैर
तो बस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए शूट किया। और यहाँ पे बहुत मजे की चीज है, ये इतने क्यूट लग रहे थे ना यहाँ पर, इतने मजे से चल रहे थे। और ये इन्होंने सारी वहाँ पर आइस वगैरह रखी हुई थी ताकि ये जो है वो ठंडे भी रहें, क्योंकि आपको पता है ये ठंडी क्लाइमेट के जो हैं वो सारे स्पीशीज हैं। और इतने मजे से सारे खड़े हुए थे ना, इतने क्यूट लग रहे थे। आप लोग अभी देखें नेक्स्ट। अच्छा एक ने डाइव किया तो दूसरे ने किया है। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक पोर्शन से फ्री हो चुके थे, तो अभी हम जा रहे थे ऊपर वाले पोर्शन में जो कि क्रोकोडाइल का एरिया जिसको कहा जाता है किंग क्रोकोडाइल एंड क्वीन क्रोकोडाइल, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी थोड़ा डरावना सा इन्होंने सारा एम्बियंस क्रिएट किया हुआ था। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से नेक्स्ट अपर पोर्शन पे, और यहाँ पर जो है वो आपको मैं क्रोकोडाइल की जो स्पीशीज है वो दिखाती हूँ। क्रोकोडाइल भी हैं लेकिन यहाँ पर लिज़र्ड वगैरह हैं सबसे पहले, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्रोकोडाइल स्पाइनी टेल और यहाँ पर जो है वो ये स्पाइनी टेल लिज़र्ड थी रखी हुई इन्होंने, और ये बिल्कुल ऐसे ही मेरे हाथ के साथ साथ जिधर मैं हाथ करी थी ना उधर ही आ रही थी, जैसे अभी इसको मेरा हाथ मिल जाएगा खाने के लिए। ऊपर चढ़ सकती होगी इसलिए ओपन है। वो है क्रोकोडाइल नीचे।
किधर? नीचे, हम अभी उधर गए नहीं। इधर गए नहीं हम? नहीं अभी नहीं गए। यहाँ पे कैसे जाना? यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं उसके साथ उधर। और यहाँ पर हम आ चुके थे क्रोकोडाइल के एरिया में। ये इन्होंने क्रोकोडाइल की जो है ना वो फ्रंट बोन रखी हुई थी, लेकिन ये जो है ना वो स्केल्टन जो है वो आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ क्रोकोडाइल। पूरा बंदा है एक साथ खा सकता है ना। हेलो, ये भी कोई मुंह खोल के बैठा है। ये जो जो मेरे व्यूवर्स देख लेते हैं ना, सब्सक्राइब नहीं करते, ये सारे उनको खाने हैं। हाथ मार के देखें, आपको बताएगी ओरिजिनल है कि नहीं। सो रही है, वो कह रही है डोंट डिस्टर्ब मी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट इसलिए वैसे लेती है। ओके, अच्छा तो ये जो मेल क्रोकोडाइल है वो 45 ईयर ओल्ड है, और जो ये जो सामने आपके मैं दिखा रही हूँ जो मुंह खोल के लेटी हुई, ये फीमेल क्रोकोडाइल है जो कि 90 ईयर्स ओल्ड है और ये प्रेग्नेंट है। और ये यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर थी और यहाँ पर हिस्ट्री इन्होंने लिखी भी हुई थी, और ये यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मेल और फीमेल है, ये जिसको किंग क्रोकोडाइल और क्वीन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, ये जो मेल है ना ये किसी भी फीमेल के साथ एडजस्ट नहीं होता। मतलब अगर लेडी जो है वो थोड़ी यंग एज की है, जैसे इसकी 45 है, अगर इससे कम की कोई एज की यहाँ पर इन्होंने रखी है तो ये उसके साथ एडजस्ट नहीं होता, उसको मार देता है। तो इस वजह से इन्होंने ये 90 ईयर्स ओल्ड की है और ये जो है ये प्रेग्नेंट है। अभी इसके नेक्स्ट जो बेबी होंगे या जो अंडे ये देगी उसके जो है वो बेबी क्रोकोडाइल जो है वो यहाँ पर रखेंगे, लेकिन वो भी सेपरेट रखेंगे, क्योंकि अगर ये रखते हैं तो यहाँ पर ये जो है वो क्रोकोडाइल उनको रहने नहीं देता, किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता। तो ये सारी हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई थी, यहाँ पर मैंने आपको दिखाए भी हैं इनके फेजेस, आप इसको यहाँ पर स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो में शायद इतना आपको आइडिया नहीं हो पा रहा, लेकिन रियल में इनका साइज बहुत बड़ा है, बहुत ही जैंट है। पूरा एक इंसान ये एट अ टाइम जो है ना वो मुंह में डाल सकते हैं, इतना बड़ा इनका साइज है, स्पेशली मेल का। और जो फीमेल है वो तो ऑलरेडी 90 इयर्स ओल्ड की है, लेकिन मेल जो है वो फीमेल से जो है वो ज़्यादा बड़ा लग रहा था। केले तरबूज कैसे अंदर जाते हैं बंदा उसके साथ, कोई तो उनका इंतजाम हो गई। केले कैसे सारे अंदर के खा रही है, आ जा डोंट वरी, गो गो टू मम्मी, गुड गुड गुड, गो 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 खाना सीधी मोबाइल में डर लग रहा है।
आसिम कितने आप वो हैं। और यहाँ पर जो है वो इन्होंने सस्पेंशन ब्रिज बनाया हुआ है, और ये भी है तो आर्टिफिशियल ही, लेकिन मतलब एक छोटा सा बनाया हुआ है सिर्फ एक आप लोग कह लें कि इंजॉयमेंट के लिए या सिर्फ एक प्रैक्टिकल करने के लिए कि आप इस पे से चल सकते हैं या नहीं चल सकते। और मैं यहाँ पर ना पहले ही डर रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे और पीछे से डरा रहे थे ताकि जल्दी जल्दी से इसको पास आउट कर लूँ। तो यहाँ पर जी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो टूर एक्वेरियम का ख़त्म होने वाला है। अभी यहाँ से हम लोग करेंगे एग्ज़िट, और ये एग्ज़िट पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है वो फिशेस वगैरह रखी हुई हैं, और बहुत बड़ा एक्वेरियम है। ऑलमोस्ट कोई आप कह लें कि 2 से 3 फ्लोर हैं टोटल जो एक्वेरियम टनल और अंडर वाटर जू जो है वो उसके अंदर आता है। तो जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो है वो 140 प्लस स्पीशीज हैं और 400 से प्लस जो है ना वो यहाँ पर फिशेज रखी गई हैं। और यहाँ पर आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, इनकी हिस्ट्री भी काफ़ी पुरानी है कुछ। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिल सकें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन